राघवेंद्र जी छोटा सवाल ले लीजिए, क्योंकि आप आज ज्यादा बात आप ही से होनी है, क्योंकि आप जो भरोसा देंगे वो पूरा पैनल भरोसे में जाएगा, और वो छात्र जो देख रहे हैं वहां वो भी समझेंगे कि आपकी बात। ये तो मुझे लग रहा है सियासी रणनीति आयोग ने इन पर चल दी, प्रतियोगी छात्र छात्राओं पर, कहा कि पीसीएस की 22 तारीख को एग्जाम है, अब वो अपना तैयारी करे, जिसके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है वो तो तैयारी करने चला जाएगा ना, वो तो पता लगा इससे भी गया, और आरओ एआरओ कब होगा अब ये पता नहीं है। तो जब आपको लेना ही था, या तो टाइम बाउंड बता दीजिए ना कि कितने टाइम में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, या चुनाव था तो आपको ये धरना खत्म दिखाना था। नहीं पुष्कर जी, धरना समाप्त हो चुका है और ये टाइम बाउंड प्रोग्राम पूरी अभी समय रहते एक आध दिन में पूरी उसकी डेट वगैरह सब सामने आ जाएगी। इस प्रकार से अभी हमारे मित्र अमरेंद्र जी बोल रहे थे, वो हमें लग रहा है भाषा उचित नहीं है, पुलिस लाठी चलाए, पुलिस डंडा चलाए, हम लोग संवेदनशील सरकार वाले लोग हैं, हम लोग अगर चार छात्र में बैठे होंगे उनकी भावनाओं के साथ हैं, नहीं हमारी सरकार कभी भी इस प्रकार से लाठीचार्ज हमारी सरकार ने कर दी है। पीसीएल भर्ती घोटाला अनिल यादव वाला याद है आपको अमरेंद्र जी, एक ही परिवार के। अरे अमरेंद्र जी 20 साल से नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा लाठी चलाई गई थी, जानकारी होनी चाहिए अमरेंद्र जी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार और निश्चित रूप से छात्रों के साथ खड़ी हुई है, अगर चार छात्र धरने के साथ बैठे हुए हैं तो हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। सही विषय की बात है, मुझे पता है, मैं बहुत सारे आंदोलनों का बयान आ चुका है, तो अगर आप देख लेंगे तो उसमें हर चीज साफ है। मतलब आपके हिसाब से धरना प्रदर्शन खत्म है, ये किसी आयोजित पार्टी के द्वारा जिस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि समाजवादी अराजक तत्वों को अंदर करके डिरेल करवा रहा है, स्पेशली धरने को बदनाम करवाने के लिए, तो वही है कि अब ये वही समाजवादी लोग रह गए होंगे जो धरने पे 10-20-50 दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्पष्ट, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो आप ये कहें कि मैं इधर से बोल रहा हूँ या उधर से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं पुष्कर जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और छात्र बहुत समझदार है, तभी एक छात्रों का एक बड़ा वर्ग समझ करके निकल चुका है। क्या कारण है 20,000 छात्रों में से 1,000-2,000 छात्र बैठे होते, अगर उनकी समझ में विषय ना आया होता। अमरेंद्र जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं सियासत में चला जाऊंगा पूरी, क्योंकि कोई वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, और आजम खान जी तो पूरा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं फंसाना चाह रहा है जी। जैसे इतना स्पष्टीकरण के लिए बात कह रहे हैं राघवेंद्र, तो एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, आरओ आरओ का भी कब हम पेपर कराएंगे, कैसे कराएंगे, एक नहीं वो तो उन्होंने बार में कराएंगे, ये तो अमरेंद्र जी आप लोगों की भी जिद है ना, जहां पे 5.5 लाख थे तो 5 लाख के सेंटर चिन्हित थे, मेरी बात सुन लीजिएगा, तो 41,000 के लिए एक या दो सेंटर और चिन्हित हो जाएंगे, करवा लेंगे, और आरओ एआरओ में 10.5 लाख परीक्षार्थी है। आप क्या चाहते हैं कि जैसे फरवरी में लीक होके आप लोगों ने हंगामा किया, अब फिर लीक हो जाए, सरकार इसकी बदनामी तो नहीं ले सकती ना। आदित्यनाथ जी के ऊपर आप इस तरीके से मत कहिए, हमारी योगी आदित्यनाथ बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री है, बहुत बहुत दमदारी से वो अपनी, आप कभी बिल्कुल मत सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी हर एक जिले में उनका पूरा ताकत है, जैसे अभी कह रहे थे ना आयोग वाले की 41 जिलों में हमारा पूरा ताकत है बाकी जिलों में नहीं, तो आयोग वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम ना करें, 75 के 75 जिलों में उनका शासन चलता है, और किसी की हैसियत नहीं कि पेपर क्यों लीक करा दे, ये कौन सा कह, क्यों कौन कह रहा है पेपर लीक हो जाएगा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ पेपर क्यों लीक हो जाएगा, सरकार नहीं लीक है तो पेपर कैसे लीक हो जाएगा। नहीं 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 ये आप कटाक्ष में कह सकते हैं, मैं आपको भी नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यही हुई ना कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे। कह सकते हो कि सरकार पेपर कराएगी और लीक हो जाएगा, कैसे लीक तो हो जाएगा? जब इतना विश्वास है तो सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे जो कमेटी आएगी? नहीं, बिल्कुल हम तो मान ले, लिख के दे देना, लिख के दे दे कि आरओ आरओ भी एक पाली में कराएंगे, जो पीसीएस के लिए बोल दिया वैसे उसके लिए भी डेट डिसाइड कर दे भाई, तो चले जाएंगे। कमेटी बनी थी अमरेंद्र जी, आप तो एस्पायरेंट है ना सिविल सर्विसेज के, आप बात को राजनेताओं वाली बात तरीके से मत घुमाइए, जब एक कमेटी बनी है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, हम लोग तो एस्पायरेंट हैं। नहीं नहीं हम सब इस पूरे पैनल में आपका सबसे ज्यादा सम्मान है,
जबकि एक एंकर को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सम्मानित हमारे लिए सब है। लेकिन आप ये बताइए कि जब एक कमेटी ने रिपोर्ट दी कि प्राइवेट सेंटर्स को हटाइए, वो सेंटर्स चिन्हित किए गए जहां पर कभी परीक्षा नहीं लीक हुई, तो उन 41 जिलों के सेंटर रखे गए, आप क्या चाह रहे थे कि फिर उन जिलों में आ जाए, फिर यही हो? भविष्य तो बिगड़ ही रहा है ना, टाइम तो बर्बाद होगा। कौन सी कमेटी थी सर? और सर कोई कमेटी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को चैलेंज नहीं कर सकती। वहां के प्रशासन को टाइट करना चाहिए था, वहां के विद्यालय प्रशासन को टाइट करना चाहिए था, ठीक है मैं आता हूं, को टाइट करना चाहिए। आपकी बात मैंने ले ली है, मैं आता हूं। खेल नहीं सकते, एक ही पेपर को आप 10 दिन नहीं कराएंगे, एक ही पेपर, एक ही नौकरी के लिए आप 10-10 पेपर कराएंगे, 10 पेपर में कौन पेपर सरल है कौन पेपर कठिन है ये कौन बता पाएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि हैदराबाद तेलंगाना केरल में ये लागू है, हरियाणा ने अब लागू कर दिया नॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे ना, उसमें तो लीक की संभावना कम होगी ना। मैं ये कतई मैं सरकार का पक्ष नहीं ले, जो सही बात है वो तो आपको भी माननी पड़ेगी ना, पेपर तो हो। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, चाहे 41 जिलों में कराएं चाहे 75 जिलों में कराएं, लेकिन मैं सरकार की बात इतने से नहीं मान सकता। तमाम चीजें हैं, तमाम भर्तियों में 4 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बार बार सरकार मान रही है वो कर रही है, क्या उनको न्याय मिला? कैसे आरओ को वालों को न्याय मिल जाएगा भाई? ठीक है, मैं आता हूं, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पैनल में बने रहिए और मैं आता हूं। बिलाल जी, आपने ग्राउंड जीरो पर अभी अभी का भी देख लिया कि वो वहां कुछ छात्र हैं जो कह रहे हैं और अमरेंद्र भी कह रहे हैं, जबकि वो यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो उनकी मांग वो आर ओ ए आर ओ नहीं दिया है, लेकिन वो उसी के साथ जुड़े हुए हैं कि जब तक आर ओ ए आर ओ को भी नहीं मिलेगा न्याय तब तक वो लोग इस धरने को मानेंगे। क्या आप मानते हैं कि धरना खत्म हो गया है या नहीं, और यहाँ पे सरकार ने क्या चाह, क्या आयोग की मंशा क्या रही? देखिए पुष्कर जी, जो आपने सवाल किया है सैद्धांतिक रूप से मैं उस सवाल को स्वीकार नहीं करता, ना तो मैं इस छात्र आंदोलन में छात्र हूं और ना ही मैं इन विजुअल पर भरोसा करता हूं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ लोग कह रहे खत्म हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये सवाल खत्म हो गया नहीं हो गया ये मेरे से तो बनता नहीं है। अब रहा इसकी समीक्षा का सवाल, देखिए अभी मैं कुछ थोड़े पहले आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऑनलाइन स्टोरीज देख रहा था दैनिक जागरण और उजाला की, वो कह रहे हैं कि धरना जारी है, तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता कि धरना जारी है या नहीं जारी है, ठीक है, मैं इसका पार्टिसिपेंट नहीं, मैं एक सैद्धांतिक बात आपके सामने रखता हूँ। देखिये आज की जो समस्या है, छात्र जो यूपीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है पीसीएस आरओ और एआरओ, ये इन तीनों की मांग को लेकर छात्र का प्रदर्शन था। जब जो समिति बनाई गई है उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस मांग को, तो ये जो मांग दो पार्ट में डिवाइड हुई है इसने ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया, नंबर एक। नंबर दो, जो परीक्षा की सुचिता बनी रहे इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, वही छात्र जो मांग है उसकी मांग को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, इसके लिए संवाद होना जरूरी है। जो समिति बनाई गई वो छात्रों को इनवाइट करे, छात्र अपनी मांगे रखें, कौन सा बीच का रास्ता निकल सकता है जो छात्र भी संतुष्ट हो और परीक्षा की सुचिता भी बनी रहे, मैं इस दृष्टिकोण का व्यक्ति। मगर बिलाल जी, आपकी समीक्षा और दृष्टि का मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ये छात्र किसी बैनर तले नहीं है कि 69,000 शिक्षक, ये 20,000 वो लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर एक साथ जुट गए, तो इसमें 10 लोगों, सरकार 20,000 लोगों से तो बात नहीं कर पाएगी, या हम कहते हैं 1,000, 2,000, 5,000 भी हैं, तो सरकार ये तो इन लोगों को थोड़ी तो एकजुटता दिखाएं कि ये 20 नाम पर राजी हों और कह दें 20 नहीं 50 लोगों से, सड़क पर तो सरकार बात करने को राजी भी हो जाए तो समझ में क्या आएगा 5,000 आदमी क्या चिल्ला रहा है क्या बोल रहा है, बात तो कुछ सेलेक्टेड लोगों से करनी पड़ेगी। तभी तो मैंने आपको कहा है आयोग ने जो समिति बनाई है उस समिति के माध्यम से या आयोग का कोई प्रतिनिधित्व छात्रों के प्रतिनिधित्व से बात करे संवाद करे, तभी तो मैं बात कह रहा हूँ। तो जब छात्रों का कोई एकजुट होके कोई चेहरा नहीं है तो वो किससे बात करेंगे? ठीक है,
आपकी इस बात का मैं जवाब अभी अमरेंद्र से भी लूंगा। और छात्रों का आप ये कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है, जो जिन छात्रों ने मेमोरेंडम दिया है जो उनके हस्ताक्षर हो गए, कम से कम उनको बुलाएं। ठीक है, मैं समझूंगा राघवेंद्र जी से इस पे, लेकिन